सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्काई स्क्रैपर के बारे में। ये कहानी है व्हील की, जो कभी मरीन ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन उसने मरीन में ऐसे कारनामे किए कि उसे एफबीआई ने चुन लिया। लेकिन थोड़े वक्त के बाद उसे एफबीआई भी छोड़ना पड़ा और तब उसने अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी बैठाई और इस काम के दौरान उसे एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक घर को देखते हैं और इस घर के अंदर रे नाम का एक आदमी है जिसने बहुत सारे क्राइम किए हैं और उसे पता है कि अब उसे पुलिस वाले जल्दी ही पकड़ने आने वाले हैं, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर चुका है। तभी यहाँ पे हम एफबीआई की टीम को देखते हैं और इस टीम को लीड कर रहा होता है व्हील। और थोड़ी देर के बाद व्हील यहाँ के एक दरवाजे को ब्लास्ट करता है, लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर घुसता है वो देखता है कि रे ने अपने बेटे को गोद में ले रखा है और वो रो रहा है। तब व्हील उससे बात करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे। तभी रे अपने बच्चे को नीचे रखता है और व्हील देखता है कि रे ने अपने पूरे शरीर पे बॉम्ब लगा रखा है और वो शायद अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी मारना चाहता है। और देखते ही देखते रे अब बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और यहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है और इस धमाके में व्हील बुरी तरीके से घायल हो जाता है और रे और उसका पूरा परिवार मारा जाता है। इसीलिए अब व्हील को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, लेकिन व्हील की हालत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी यहाँ पे हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो व्हील का इलाज कर रही होती है और इस डॉक्टर का नाम है सेरा। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और 10 साल का समय बीत जाता है और हमारे सामने आता है हांगकांग का दृश्य। और अभी हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू देखते हैं जिसका नाम है जाओ। और जाओ ने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई है जो 3500 फीट ऊंची है और उसके साथ साथ इस बिल्डिंग में 225 फ्लोर्स हैं और इस पूरे बिल्डिंग में सुख सुविधा की बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए लोग इसे जन्नत भी कहते हैं। और यही जाओ का सपना है कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारत बनाए। तभी हम व्हील को देखते हैं और उस हादसे के बाद व्हील ने अपने एक पैर को खो दिया है, इसीलिए अब उसके पैर में एक प्रोस्थेटिक लेग लगा हुआ है और जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था व्हील ने उसी से शादी कर ली है, यानी कि सेरा से। और व्हील और सेरा के जुड़वा बच्चे हैं जिनका नाम है जॉर्जिया और हेनरी। और जब से व्हील ने अपना पैर खोया तब से उसने एफबीआई को छोड़ दिया और अब वो एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है और व्हील की एजेंसी के चर्चे पूरी दुनिया में है। तभी यहाँ पे व्हील के घर पे उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम है बेन और बेन भी एफबीआई में था। और आज बेन और व्हील मिलने जाने वाले हैं जाओ से, क्योंकि जाओ अपनी बिल्डिंग की सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहता है व्हील से, क्योंकि व्हील इसका एक्सपर्ट है, इसीलिए वो अपनी पूरी सिक्योरिटी को दिखाना चाहता है ताकि व्हील बता सके कि इम्प्रूवमेंट की और कहाँ कहाँ गुंजाइश है। और व्हील के दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो भी पर्ल बिल्डिंग को देखना चाहते हैं, इसीलिए सेरा भी इनके साथ जाती है। और अभी सारे लोग पहुंचते हैं पर्ल बिल्डिंग के अंदर, लेकिन सेरा अपने दोनों बच्चों के साथ 96th फ्लोर पर रुक जाती है, मगर बेन और व्हील ऊपर जाते हैं और वो जाते हैं 220वीं माले पे, जहाँ उनकी मुलाकात होती है जाओ से और जाओ उन्हें पूरी बिल्डिंग के बारे में बताने लगता है। तभी यहाँ पे दो लोग आते हैं जिनमें से एक का नाम है मिस्टर पियर्स और पियर्स एक इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव है और दूसरा आदमी है अजानी। अजानी जाओ का पर्सनल बॉडीगार्ड है। फिर जाओ यहाँ पे अपनी बिल्डिंग की खूबियां दिखाता है कि अगर कहीं भी बिल्डिंग में आग लगती है तब उस आग को बुझाने के लिए इन लोगों ने एक अलग टेक्नोलॉजी रखी है और वो सारी चीजें किसी और माले से कंट्रोल होती है। और इतनी बातें बताने के बाद जाओ एक टेबलेट को निकालता है जिससे वो व्हील का चेहरा स्कैन करता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास इस पूरे बिल्डिंग का नियंत्रण है और तुम इस टैबलेट से इस पूरे बिल्डिंग के सिक्योरिटी को देख सकते हो। और इतने कहने के बाद वो व्हील को ऊपर लेकर के जाता है और सबसे ऊपर वाले माले पे लेकर के जाता है, जहाँ पे वो उसे लेकर के जाता है एक अलग से कमरे में। और ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे हर जगह प्रोजेक्शंस लगे होते हैं। और ये सब दिखाने के बाद जाओ यहाँ से चला जाता है और व्हील को सारी चीजें चेक करने के लिए कहता है, इसलिए अब व्हील नीचे आ जाता है और वो बेन के साथ यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वो जैसे ही थोड़ा नीचे आता है उसके पास एक चोर आता है जो उसे चाकू मारता है और उसका बैग लेकर के भाग जाता है। तब बेन व्हील को लेकर के जाता है अपने कमरे में और उसके घाव पे मरहम करता है। तभी व्हील अपने पास से उसी टैबलेट को निकालता है और इस चीज को देखने के बाद बेन चौक जाता है। तो व्हील बताता है कि यह टैबलेट बहुत ही खतरनाक चीज है क्योंकि उसमें पूरे बिल्डिंग की सिक्योरिटी की जानकारी है, इसीलिए मैंने इसे छुपा लिया था। लेकिन अब इस चीज को देख करके बेन परेशान हो गया है, इसीलिए वो बाथरूम जाता है और अंदर से किसी को कॉल करता है। तभी हम पर्ल बिल्डिंग को देखते हैं जिसके दीवार को कुछ लोग तोड़ते हैं और वो अंदर आ जाते हैं और इन सारे लोगों का मुखिया होता है बोथा। तभी हम सेरा को पर्ल बिल्डिंग में देखते हैं और वो 96th फ्लोर पे होती है और यहाँ पे इनका भी एक फ्लैट है, इसलिए जब वो अपने फ्लैट के अंदर जा रही होती है तभी वो बोथा को देखती है और उसे बोथा पे शक होने लगता है। इसी बीच हम फिर से व्हील को देखते हैं और व्हील बेन को कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ पर्ल बिल्डिंग क्योंकि वहाँ पे मेरा परिवार है। तभी बेन बंदूक तान देता है व्हील पे और कहता है कि अभी के अभी ये टैबलेट मुझे दे दो। और इस चीज को देखने के बाद व्हील चौंक जाता है और कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा। तब बेन कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से भरी पड़ी है और मुझे ये काम कुछ गुंडों के लिए करना पड़ रहा है और मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन व्हील अब बेन को टैब नहीं देता और ये दोनों लड़ने लगते हैं और बार बार बेन व्हील को मारने की कोशिश करता है और ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद गलती से गोली चल जाती है और वो गोली बेन को लग जाती है। तब व्हील बेन से कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं ये गोली नहीं चलाना चाहता था। और बेन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारना चाहते थे,
लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ और तुम्हारी फैमिली खतरे में है क्योंकि वो पर्ल बिल्डिंग के अंदर है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार को बचा लो। और इतना कहने के बाद बिन मर जाता है। तभी हम बोथा को देखते हैं और अब बोथा 96th फ्लोर पे आग लगा देता है और ये आग तेजी से बढ़ने लगती है और सेरा को भी ये बात पता लग जाती है कि इस फ्लोर पे आग लगा है। तभी हम जाओ को देखते हैं और उसके लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पे आग लगी है, इसीलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब जाओ कहता है कि एक छोटी बात है, हमारे बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है और वो जल्दी ही इस आग को बुझा देगी, इसीलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी हम व्हील को देखते हैं और व्हील को भी पता लग जाता है कि पर्ल बिल्डिंग में आग लगी है, इसीलिए वो यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं और वो इस पे अंधाधुन गोलियां चला रहे हैं, इसीलिए व्हील भागने लगता है और वो लोग इस पे गोलियां चलाने लगते हैं। फिर व्हील इस बिल्डिंग से नीचे उतरने लगता है और बहुत ही कड़ी मशक्कत करने के बाद वो नीचे तक पहुंचता है। लेकिन वो जैसे ही नीचे आता है वो अपने सामने एक लड़की को पाता है जिसका नाम है जिया, और जिया व्हील को शॉक देती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तब वो व्हील से उसका टैब छीनती है और उसके बाद उसके चेहरे को स्कैन करती है और ये टैब अनलॉक हो जाता है। और अब टैब लेने के बाद ये लोग व्हील को मारने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और ये लोग पुलिस वालों पे गोलियां चलाने लगते हैं और पुलिस भी इन पे गोलियां चला रही होती है। और इस मौके का फायदा उठा करके व्हील यहाँ से भाग जाता है। फिर वो पुलिस वालों की बाइक लेता है और उससे यहाँ से भागने लगता है ताकि वो जल्दी ही बिल्डिंग तक पहुंच सके। लेकिन अब बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया है, लेकिन पुलिस वालों को पर्ल बिल्डिंग की सिक्योरिटी पे भरोसा है, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं करते और उन्हें लगता है कि ये मामला जल्दी ही शांत हो जाएगा। लेकिन अब सेरा बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और यहाँ पे चारों तरफ धुआं फैला हुआ है और सेरा के बेटे हेनरी को अस्थमा की समस्या है, इसीलिए वो उसके लिए ज्यादा चिंतित है। और अब सेरा अपने बच्चों को लेकर के आगे बढ़ने लगती है। तभी हम जाओ को देखते हैं और जाओ की भी अब चिंता बढ़ रही है कि बिल्डिंग की आग कमी नहीं हो रही। तब वो कहता है कि पता लगाओ 96 फ्लोर पे कौन कौन है। तभी जाओ को पता लगता है कि 96 फ्लोर पे व्हील का परिवार है। फिर वो अपने लोगों को कहता है कि नीचे जाओ और उसके परिवार को बचाओ। तभी हम जिया को देखते हैं जो टैब लेकर के घुसती है कंट्रोल रूम के अंदर और इसके आदमी कंट्रोल रूम के सारे लोगों को मार देते हैं। तभी व्हील कॉल करता है सेरा को और उसे वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन अब जिया के पास यहां का टैब है और वो टैब से पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल ले लेती है और कहती है कि 96 फ्लोर से नीचे जितने भी फ्लोर्स हैं उन सब के एंट्री और एग्जिट को बंद कर दो ताकि कोई भी बिल्डिंग के अंदर दाखिल ना हो सके, और उसके साथ साथ यहाँ के आग को भी तेज कर दो ताकि ऊपर के सारे माले जल जाए। और अब ये लोग ऐसा ही करते हैं, यहाँ के आग को बढ़ाने लगते हैं। तभी जाओ के लोग पहुंचते हैं व्हील के परिवार के पास और वो उसे लेकर के यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ के लिफ्ट में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो सिक्योरिटी वाले मारे जाते हैं और सेरा का फोन भी टूट जाता है, इसीलिए व्हील भी सेरा से बात नहीं कर पाता है। इसीलिए व्हील परेशान हो जाता है और वो आता है पर्ल बिल्डिंग के पास। तभी उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और यहाँ पे व्हील को पता लगता है कि पुलिस वालों को लगता है कि ये सब कुछ व्हील ने ही किया है क्योंकि उसी के पास बिल्डिंग का कंट्रोल था और वही इस बिल्डिंग को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए पुलिस वाले व्हील को गिरफ्तार करने लगते हैं। लेकिन व्हील जानता है कि उसे अपने परिवार को बचाना है वरना वो लोग नहीं बचेंगे, इसीलिए व्हील पुलिस वालों को चकमा देता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी हम जाओ को देखते हैं और जाओ यहाँ पे एक खुफिया कमरे में जाता है और वो एक सेफ को खोलता है और अंदर से एक पेन ड्राइव को निकालता है। तब तक व्हील पहुंच जाता है पर्ल बिल्डिंग के पास, लेकिन इन लोगों ने एंट्रेंस को बंद कर दिया है। तभी व्हील देखता है कि यहाँ पे पास में ही एक टावर है, इसीलिए वो उस टावर पे चढ़ने लगता है ताकि वो टावर से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो सके। और बहुत देर तक व्हील ऐसे ही चढ़ते जाता है, लेकिन अब व्हील के पीछे पुलिस वाले लग चुके हैं उसे पकड़ने के लिए। तभी हम जाओ को देखते हैं, जाओ जब यहाँ से निकल रहा होता है तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि आखिर बिल्डिंग में आग कैसे लग और ये सब कौन कर सकता है। तब जाओ कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कौन कर रहा है, उसका नाम है बोथा और बोथा ये तब तक करता रहेगा जब तक उसे ये पेन ड्राइव नहीं मिलेगी। तब अजानी जाओ को कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी हम व्हील को देखते हैं जो टावर के बिल्कुल ऊपर चढ़ चुका है, लेकिन अब पुलिस वालों के निशाने पे है वो, और पुलिस वाले व्हील को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। लेकिन व्हील कैसे भी अपने परिवार को बचाना चाहता है, इसीलिए वो इस टावर से उस बिल्डिंग पे कूद जाता है और वो बाल बाल बचता है और वो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। तभी हम सेरा को देखते हैं जो अपने बच्चों को लेकर के बाहर जा रही होती है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलती है वहाँ भी ब्लास्ट होने लगता है, इसीलिए वो डर जाती है। तभी हम अजानी को देखते हैं जो जाओ को लेकर के जाता है छत पे ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। लेकिन जैसे ही ये लोग ऊपर पहुँचते हैं अजानी कहता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है क्योंकि हेलीकॉप्टर में हमारा पायलट नहीं है। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे बोथा आ जाता है और वो सब पे गोलियां चलाने लगता है और अजानी को भी गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है और बोथा सारे लोगों को मार देता है। और जाओ के पास पहुंचता है और कहता है कि अभी कभी वो पेन ड्राइव मुझे दो। और अब जाओ पेन ड्राइव देता, उससे पहले अजानी को होश आ जाता है और तब वो पायलट पे गोली चलाता है और गोली लगने के बाद पायलट से इस हेलीकॉप्टर का कंट्रोल छूट जाता है और अब हेलीकॉप्टर यहाँ पे चारों तरफ घूमने लगता है और यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जाओ इस चीज का फायदा उठाता है और चुपके से यहाँ से भागने लगता है। लेकिन बोथा उसे देख लेता है और वो उस पर अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है, लेकिन फिर भी जाओ यहाँ से भाग जाता है और यहाँ से भागने के बाद अपने पेंट हाउस में जाकर के छुप जाता है। लेकिन बोथा अब इस दरवाजे को नहीं खोल सकता। तभी बोथा को पता लगता है कि विल भी इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुका है और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पियर्स भी बोथा के साथ मिला हुआ है, इसीलिए बोथा अब अपने सारे आदमियों को कहता है कि विल को पकड़ो कि वही हमें पेंट हाउस के अंदर लेकर के जाएगा। तभी हम सेरा को देखते हैं जो अपने बच्चों को लेकर के आगे बढ़ रही होती है
तभी उसके सामने पियर्स आ जाता है और वो सेरा पे बंदूक तान देता है और उसे पकड़ने लगता है। तभी सेरा एक कैंची निकालती है और उसे पियर्स के पैर में घुसा देती है और अपने बच्चों को यहाँ से भागने के लिए कहती है और वो भी भागने लगती है। लेकिन जब ये लोग एक पुल पे होते हैं और सेरा के दोनों बच्चे आगे होते हैं तभी बीच में एक सीढ़ी गिर जाती है और ये लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब जॉर्जिया और हेनरी आगे जा रहे होते हैं तभी इनके बीच में एक पेड़ गिर जाता है और ये दोनों भी अलग हो जाते हैं। तब जॉर्जिया हेनरी को कहती है कि तुम माँ के पास जाओ, मैं तुम्हें ऊपर मिलूंगी, और इतना कहने के बाद वो ऊपर जाने लगती है। तभी हम सेरा को देखते हैं जिसके सामने पियर्स आ जाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे व्हील आ जाता है और वो पियर्स को नीचे फेंक देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी ये लोग पुल के उस पार हेनरी को देखते हैं, लेकिन बीच में पुल टूटा हुआ है इसलिए ये लोग बीच में एक लकड़ी रखते हैं और व्हील सेरा को कहता है कि तुम उस पार जाओ क्योंकि तुम हल्की हो, और वो पुल को पकड़ करके रखता है। और अब सेरा धीरे धीरे उस पार जाती है और वो हेनरी को लेकर के इधर आ जाती है। तब व्हील कहता है कि मैं तुम्हें इस लिफ्ट में डाल रहा हूँ लेकिन मैं इसके वायर को काट दूंगा, इसीलिए जैसे ही तुम तीसवें माले पे जाओ इस ब्रेक को दबा देना। फिर धीरे धीरे रुकती हुई ये लिफ्ट पहुंच जाएगी पहले माले पे। और अब सेरा भी हेनरी को लेकर के लिफ्ट में बैठ जाती है और व्हील वायर्स को काट देता है और लिफ्ट बहुत ही तेजी के साथ नीचे जाने लगती है। और जैसे ही तीसवें माले पे जाती है सेरा ब्रेक दबा देती है और धीरे धीरे करके ये लिफ्ट भी रुक जाती है। तभी हम जॉर्जिया को देखते हैं और अब जॉर्जिया को बोथा के लोग देख लेते हैं, फिर वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पर भी व्हील आ जाता है और वो बोथा के लोगों को मार देता है और जॉर्जिया को बचा लेता है। लेकिन वो जैसे ही उसे लेकर के आगे बढ़ता है तभी व्हील के सामने बोथा आ जाता है और वो उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें उस पेंट हाउस का दरवाजा खोलना पड़ेगा। तब व्हील मना कर देता है और इस बात को सुनते ही बोथा जॉर्जिया को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तब जल्दी से पेंट हाउस का दरवाजा खोलो वरना मैं जल्दी ही इसे मार दूंगा। और इतना कहने के बाद वो जॉर्जिया को लेकर के चला जाता है और व्हील भी अब सोचने लगता है कि वो पेंट हाउस को कैसे खोले, इसीलिए वो सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करता है और उसे पता लगता है कि पेंट हाउस के पीछे एक दरवाजा है लेकिन वहां तक पहुंचना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। तभी हम सेरा को देखते हैं जो नीचे पहुंचती है पुलिस वालों के पास और उसने पूरी बात बताती है और कहती है कि बिल्डिंग में आग लगाने में व्हील का कोई भी हाथ नहीं है बल्कि अंदर बहुत सारे लोग हैं जो पूरी बिल्डिंग को तबाह कर रहे हैं। तब यहाँ का पुलिस वाला बोथा की तस्वीर दिखाता है और सेरा कहती है कि हाँ यही आदमी है, इसीलिए अब पुलिस वाले भी अलर्ट हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अगर ये लोग पूरी बिल्डिंग में आग लगा देंगे तब ये कहाँ पे उतरेंगे, और इन्हें जल्दी ही पता लग जाता है कि ये कहाँ पे उतरने वाले हैं बिल्डिंग को तबाह करने के बाद। तभी हम व्हील को देखते हैं और व्हील यहाँ का कांच तोड़ता है और अपने आप को एक बड़ी सी मूर्ति में बांधता है और धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगता है। और मीडिया वाले इन सारी चीजों को लाइव दिखा रहे होते हैं इसीलिए सेरा भी इन चीजों को देखने लगती है और ये मंजर बहुत ही भयानक होता है जब व्हील इतनी बड़ी बिल्डिंग पे चल रहा होता है और वो खतरों से खेलता हुआ पहुंचता है पिछले दरवाजे पे और वो जैसे ही वहाँ के वायर को काटता है ताकि पेंट हाउस का दरवाजा खुल जाए तभी वहाँ पे आग लग जाती है, इसीलिए व्हील एक बार फिर से वहाँ से कूद जाता है और वो मरते मरते बचता है और उसी टूटे हुए कांच के पास आ जाता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। और सेरा इन सारी चीजों को देख करके तब तक दंग रह जाती है। लेकिन अब व्हील जैसे ही अंदर आता है तब उसे पता लगता है कि अब पेंट हाउस का दरवाजा खुल चुका है और अब जल्दी ही वो दरवाजा बंद होने वाला है, इसीलिए वो अपनी टांग वहाँ पे लगा देता है क्योंकि इसकी टांग लोहे की है। और वो अंदर चला जाता है जहाँ पे उसे जाओ मिलता है। तब व्हील उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और जाओ उसे पूरी बात बताता है कि जब वो इस बिल्डिंग को बना रहा था तब उसे माफिया से धमकी आने लगा और बोथा माफिया वाले लोगों के लिए काम करता है इसीलिए वो मुझे धमकी देने लगा और मैं उनसे डर भी गया, इसीलिए मैंने उन्हें $6 बिलियन दिए। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें पैसे भेजा मैंने उनके सारे डिटेल्स को ट्रैक कर लिया और अब मेरे पास पूरी जानकारी है कि वो पैसे किन किन लोगों के पास गए हैं और भी कहां-कहां से उनके पास पैसे आए हैं। और जब माफिया वालों को ये बात पता लगी तब वो समझ गए कि अब वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं क्योंकि जैसे ही ये डिटेल्स पुलिस वालों के पास पहुंचेगी कोई भी माफिया नहीं बचेगा, इसीलिए उन्हें कैसे भी ये डिटेल्स चाहिए और ये सारे के सारे डिटेल्स इस पेन ड्राइव में है, इसीलिए उन लोगों ने बिल्डिंग में आग लगाई ताकि मैं बिल्डिंग से भागूं और भागते समय जरूर मेरे पास पेन ड्राइव होगा और तब वो मुझसे पेन ड्राइव लेंगे और मुझे मार देंगे। लेकिन ये पेन ड्राइव बहुत ही कीमती है और ये पुलिस वालों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। लेकिन अब इन बातों को सुनने के बाद व्हील अपनी पूरी बात बताता है जाओ को और कहता है कि मेरी बेटी उनके कब्जे में है और मुझे उन्हें कैसे भी छुड़ाना है। तब जाओ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिक्र मत करो तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। इसीलिए अब व्हील जाओ को लेकर के ऊपर जाने लगता है बोथा के पास और जब बोथा के पास पहुंचता है तब कहता है कि मैं जाओ को ले आया हूं, इसीलिए अब तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। और अब जॉर्जिया आने लगती है व्हील के पास, तभी जाओ एक बंदूक उठा लेता है और वो बोथा को कहता है कि मुझे अभी के अभी एक पैराशूट दो क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। और अब बोथा इस बारे में सोचने लगता है तभी जाओ उस पेन ड्राइव को नीचे फेंक देता है, इसीलिए अब यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। तभी जाओ यहाँ के प्रोजेक्शन पैनल को बाहर कर देता है, इसीलिए अब ये पूरी जगह भूलभुलैया बन जाती है और किसी को पता नहीं लगता कि कौन कहाँ पे है। तभी पुलिस वाले उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें शक है कि बोथा अपने सारे आदमियों के साथ जाएगा जब वो पूरी बिल्डिंग को जला देगा और इनके साथ सेरा भी है। और ये लोग जैसे ही उस जगह पे पहुंचते हैं हम यहाँ पे जिया को देखते हैं जो सेरा पे हमला कर देती है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पे पुलिस
पुलिस वाला आ जाता है और वो जिया पे बंदूक तान देता है। तब सेरा उसे लात मार करके बेहोश कर देती है और वो लोग जिया को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी सेरा को यहाँ पे विल का टेबलेट मिलता है। तब तक दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो बुरी तरीके से घायल हो चुका है क्योंकि उसे एक गोली लगी है। तब विल कहता है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ और वो आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसे जॉर्जिया दिखती भी है, लेकिन वो देखता है कि उसे बोथा ने पकड़ रखा है और बोथा के हाथ में यहाँ पे एक बॉम्ब भी है, इसीलिए बोथा कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मारने वाला हूँ। तब विल इस भूल भुलैया का इस्तेमाल करता है और वो बोथा को किक मारता है, इसीलिए बोथा नीचे गिरता है। तब उसके हाथ का बॉम्ब भी फट जाता है और यहीं पे बोथा की मृत्यु हो जाती है। तब विल अपनी बेटी के पास जाता है। तब तक यहाँ पे चारों तरफ आग लग जाती है और विल समझ जाता है कि अब वो यहाँ से नीचे नहीं उतर पाएगा, इसीलिए वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है क्योंकि वो जानता है कि अब कहीं वो मरने वाला है। तभी हम सेरा को देखते हैं जिसे पता लग जाता है कि पूरी बिल्डिंग में आग लग चुकी है। फिर वो टैप से वेंटिलेशन सिस्टम को ऑन कर देती है और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग की आग बुझ जाती है। तब एक रेस्क्यू टीम जाती है उन्हें बचाने के लिए। तब विल जाओ को भी उठाता है और ये तीनों लोग एक प्लेन में बैठ करके आने लगते हैं। तभी विल जाओ से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। तब जाओ कहता है कि वो एक बार फिर से इस बिल्डिंग को बनाने की कोशिश करेगा क्योंकि यही उसका सपना है। लेकिन अब विल नीचे आ जाता है और वो मिलता है सेरा से। तब सारे लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।